देखो ये पत्नी टॉप में कितनी बर्फ पड़ रही है, देखो दिखाओ कितनी है, देखो कितनी पड़ रही है। देखो पानी में बर्फ जम गई है और ये पानी आ रहा है ऊपर से। जो खड़ा लगा एक बार खड़ा होकर दिखाना। No, there ain't no stopping us. Hi, मेरा नाम है ओम और आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको पटनी टॉप। ये जो पटनी पटनी है ना, मैं बोल नहीं पा रहा था, वहाँ भी नहीं बोल पा रहा था और यहाँ भी नहीं बोल रहा पा रहा हूँ। पटनी टॉप और दूसरा है नत्था टॉप, ये हिल स्टेशन है। आप जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हो दिसंबर के टाइम पे, जनवरी के टाइम पे, आपको बर्फ़ देखनी हो या फिर आपके पास टाइम है घूमने का, तो ज़रूर जाना वहाँ पे। और ये वीडियो पूरी देखना, हंस हंस के पागल हो जाओगे, क्योंकि मैं भी हंस हंस के पागल हो गया था। मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो भाई बर्फ पड़ी हुई है और फैमिली वाले लोग यहाँ पे कुछ एंजॉय कर रहे हैं, इनको मजा आ रहा है और हम चलने वाले हैं यहाँ से ऊपर, ऊपर देखने वाले हैं। अब तक ठंडी लग रही थी बट अब ठंड लग रही है और मजा आ रहा ना भाई, अल्टीमेट मजा आ रहा है। भाई ठीक हो रहा भी है, कच्ची है ना ये। भाई मैं नहीं बना रहा था कैमरा। ओ भाई ये लगा भयंकर। मारो मारो भयंकर भयंकर लग रहा है भयंकर। अरे भर्ती यार अब तक जाओ नहीं है तो शुरू है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, आगे बढ़ जाना। देखियो बस करो उतर भी ले। अब चल रहे हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ का दिखा रहा हूँ। भाई आ रहा, भाई आ रहा हूँ। हम घूम रहे हैं पटनी टॉप, क्योंकि वहाँ नत्थू कौन सा रास्ता भाई, वो मत्था टॉप का फाका रास्ता भी बंद है, वो 2 बजे के बाद खुलेगा। तो उन्होंने कहा पहले यहीं घूम लो और इधर का जो है देख लो। तो भाई मज़ा तो बुरा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आने के बाद यहाँ पे हर बार 25 दिसंबर को बर्फ पड़ती ही पड़ती है। अगर आप दिसंबर के टाइम पे वैष्णो देवी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आ गए तो पैसे वसूल है आपके, मज़ा आ जाता है। जैसे मुझे आ रहा है, बता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा है, बट हाँ दबा के मज़ा आ रहा है। सामने कुछ लोग हैं गाड़ी के स्पीकर खोल के डांस कर रहे हैं, तो उनको दिखाता हूँ। चलो आइडिया, थैंक यू। अभी रास्ता क्या ऊपर और यहाँ से ऊपर चलते हैं। पत्नी टॉप से होके हम जा रहे हैं नत्था टॉप। नत्था टॉप थोड़ा ऊपर पड़ता है श्रीनगर के पास, सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पड़ती है। तो चलो ऊपर चलते हैं एंड ऊपर का दिखा दूंगा कैसे और क्या क्या सीन है। मैं थोड़ा यहाँ देख लो, इधर पीछे की साइड बर्फ पड़ी हुई है, बाकी सब ऊपर चल। पता यहाँ की सबसे बुरी बात क्या है, अभी तक हम 1 किलोमीटर चल चुके होंगे और बुरे वाला जाम है, क्योंकि ये 1-वे रोड है यार। दिक्कत बस यहाँ पे यही है और बाकी तो सब कुछ अच्छा है, मतलब दिल्ली वालों के लिए, हम जैसे लोग जो नए नए आए हैं उनके लिए तो देखने के लिए अच्छी जगह है। बाकी बने रहो ना मेरे साथ, हाँ थक गया हूँ चल चल के।
कल वैष्णो देवी और आज यहाँ पे, तो बुरा हाल हो चुका है, चला नहीं जा रहा, बट फिर भी चलने तो चल तो रहा हूँ ना। इसके अंदर मैं मारता हूँ काम नहीं कर रहा। फिर क्या? ये नहीं जाएंगे, वो नीचे जाके दिखाओ। जितने फैमिली के लोग आते हैं वो यहीं तक रहते हैं, बट हमने सोचा है, वो देखो मेरे कुछ दोस्त जा रहे हैं ऊपर, हमें जाना है। वो देखो टावर दिख रहा है, ये टावर वहाँ तक जाएंगे एंड यहाँ का एक बार व्यू देख लो यार एक बार। चलते चलते हालत बुरी हो गई है, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। तो जिस साइड की सूरज की रोशनी पड़ती है देखो, इस तरफ बर्फ़ नहीं है। जो हमें स्लाइडिंग कराने वाला छोटा सा लड़का है, दिखाता हूँ आपको, वो लेके जा रहा है हमें दूसरी साइड, जिस साइड ना धूप नहीं आती है उस साइड बर्फ़ कह रहा है, बहुत है, 3-3 फीट तक बर्फ़ जमी हुई है। तो उधर लेके जा रहा है, बिल्कुल टॉप पर लेके जा रहा है। हालत बुरी हो, एक अच्छी बात पता क्या, देखो जैसे दिख रहा होगा वो छोटा सा एक पीछे घर बना हुआ, घर नहीं, वो कैंटीन बनी हुई है। तो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर भी कैंटीन बनी हुई है। अब आ गए दूसरी साइड और इस साइड है बर्फ तगड़ी वाली जमी, क्या सकते हैं वो देखो, फिसल के गिर गया एक भाई। तो इस साइड है बर्फ तगड़ी वाली और ये देखो पीछे, और वो कुछ लड़के हैं वहाँ पे, उनके पैर घुस रहे हैं। और इधर देखो नीचे, यहाँ तो तगड़े वाली है भाई, यहाँ तो घुस ही जाएगा पैर। इधर देख लो भाई कितना जा रहा है, खड़ा हो जाए, और खड़े होकर दिखाना। ये देखो भाई को कुल ऊपर, और ऊपर आने के बाद देखो पीछे का बर्फ बर्फ दिख रही है और थक चुका हूँ। ऊपर आने के बाद लगता है कि हाँ ठंड होती है बर्फ में। अब तक चल के आ रहे थे ना, तो चल के आने से इतना एहसास नहीं हुआ, थोड़ी देर बैठ गया ना मैं, तब मुझे ये चैन जैकेट की चैन बंद करनी पड़ी क्योंकि ठंड लगने लग गई। और अब करते हैं स्लाइडिंग और चलते हैं नीचे। Looking at a shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want shining like it's neon, rock like kings of Leon. देखो पानी में बर्फ जम गई है और ये पानी आ रहा है ऊपर से, जो बर्फ भी पिघल रही है ऊपर। ओहो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर दो यार, प्लीज प्लीज शेयर कर दो वीडियो को। और क्या, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ नहीं, इतना बहुत है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।